इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो उसमें हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जो एक तरह के लिटरेरी टॉपिक बोल सकते हैं, मतलब लिटरेचर से जो टॉपिक है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप हिंदी में देखते हो कि हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं, कि मतलब कि हिंदी के इतिहास से क्वेश्चन आते हैं लिटरेचर के, मतलब कि कहानियों से, कि ये कहानी कब बनी, तुलसीदास ने कहानियाँ कब लिखी, कहानी भारत में कब आया, नाटक भारत में कब लिखना प्रारंभ हुआ है, कविताएं अलग अलग आपने पढ़ी होगी कि भक्ति भक्ति वाले कविताएं कब आरंभ हुई, कब युद्ध वाले आरंभ हुए कविताएं आपने पढ़ी है ना, उसमें क्वेश्चंस आते हैं ना। ठीक वैसे ही यूपी बोर्ड में भी आता है 12th के इंग्लिश ग्रामर में, जो आपका इंग्लिश ग्रामर सेक्शन है उसमें ये क्वेश्चंस आता है। और ये क्वेश्चंस आता है आपको नॉर्मली ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से पेपर उठा के देखो, कोई भी पेपर क्लास 12th का एग्ज़ाम का, तो आपको दिखेगा जो ट्रांसलेशन वाला होता है, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन होता है, उसमें एक नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है वो इस प्रकार होता है। देखिए इस प्रकार होता है कि आपको ये 11वां क्वेश्चन नॉर्मली आपको एग्जाम ग्रामर में मिलता है। ये पार्ट वन ट्रांसलेशन होता है, ये डायरेक्ट आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट 10 नंबर आपको दे देता है। ये सबसे इजी वे होता है, नॉर्मली सब लोग यही करता है, 99% या बोल सकते हैं 95% जो बच्चे होते हैं वो यही करते हैं कि ये 10% ट्रांसलेशन वाला उठाते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं। ज़्यादा ईजियर होता है और आप आराम से कर लेते हो, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये नंबर मुझे मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप पार्ट टू, देखिए पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री मैंने और नहीं लगाया है, पार्ट टू और पार्ट थ्री के बीच में ध्यान दीजिएगा, पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री दोनों तीनों अलग अलग हैं, तीनों अथवा में है, मतलब कि चाहे आप पार्ट वन करो, चाहे पार्ट टू करो, चाहे पार्ट थ्री, तीनों में से कोई भी एक करो, आपको 10 नंबर मिलना है। तो पार्ट टू में क्या होता है, सब्सटेंस ऑफ अ पोएम इन अबाउट 80 वर्ड, मतलब एक पोएम का कोई बड़ा सा लाइन होगा, 4 लाइन 8 लाइन का, उसको आपको एक्सप्लेन करना है 80 वर्ड के अंदर अप्रॉक्स। फिर आपको कुछ पॉइंट दे जाएंगे, कुछ नॉर्मली कुछ एक दो पैराग्राफ का सेंटेंस होगा, उसको क्या करना होगा, उसको आप समरी बनाना पड़ेगा, समरी बनाकर उसको 60 वर्ड के अंदर लिखना होगा, उसमें आपको 10 नंबर मिल सकता है। आपको दिख रहा है इसमें क्या मैं कह रहा हूँ। एक पार्ट थ्री ये होता है कि शॉर्ट एसे आपको लिखना पड़ता है लिटरेरी टॉपिक, जो मैं बात करने वाला हूँ लिटरेरी टॉपिक पर, जो 120 वर्ड का होगा वो होगा 6 नंबर का। फिर मैच द लिस्ट, ये बहुत इजी है, आपको लिस्ट में मैच करना है वो 4 नंबर का। तो जो लिस्ट मैच करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम जो डिस्कस करने वाले बात कर रहे हैं शॉर्ट एसे ऑफ लिटरेरी टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स, वो डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि लिटरेचर से, यानी कि जो इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश जो आप पढ़ते हो रीडर, उसमें कुछ कुछ पुरानी पुरानी किसी पोएट के बारे में बोल देगा, पोएट के बारे में लिखिए, या किसी शैली के बारे में, जैसे आप ड्रामा के बारे में लिखिए, या सटायर के बारे में लिखिए, या ओड के बारे में लिखिए, या सोनेट के बारे में लिखिए, ये नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको 120 वर्ड के अंदर। अर्थात अगर आप इमेजिन करो कि आप एक लाइन में अगर आप 6-7 वर्ड लिखते हो, तो अप्रॉक्स आपको 15 लाइन लिखना होगा, 15 से 17-18 लाइन। तो उसको मैंने बताने की कोशिश की है, वो अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। सो प्लीज़ टच में रहिए, पूरा वीडियो देखिए, इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। आपको अगर आप दोनों करते हो तो आपको 10 में से 8 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली करता कोई नहीं है, टीचर उसको बहुत बढ़िया, जो करता है उसको टीचर बहुत बढ़िया नंबर देता है। चलिए देखते हैं इसके जो 11, देखिए जो मैं कुछ 11 क्वेश्चन की जो आपको मैंने बताया थर्ड पार्ट वाला, वो मैं बात बताने वाला हूँ। उसमें ये जो आप देख रहे हो मैंने जो नाम लिखे हैं, ये सब वो टॉपिक हैं जो नॉर्मली आते रहते हैं एग्ज़ाम में। विक्टोरियन नॉवेल, हीरोइक कॉपलेट, देखिए विक्टोरियन नॉवेल बहुत ज़्यादा एक तरीके से यूज़ होता रहता है और ये आ सकता है एग्ज़ाम में इस बार। प्लीज़ इसको जो मैं जितने मैंने स्टार वाले बनाए हैं वो सब आ सकते हैं इस बार, और आपको सिर्फ एक करना है, 4-5 ऑप्शन होंगे उसमें से सिर्फ आपको एक टॉपिक चूज़ करना है। ध्यान दीजिएगा, कोई दो मत कर दीजिएगा, एक ही करना है। विक्टोरियन नॉवेल, हीरोइक कॉपलेट, 20th सेंचुरी अमेरिकन प्ले, ओड, सटायर जो मैंने बताया था अभी, जॉन फिशर एज अ पाम राइटर,
सैमुअल डैनियल विलियम कैक्सटॉन, कीट्स एज अ रोमांटिक पोएट, कीट्स एक पोएट का नाम है, अभी डिस्कस करेंगे। शेक्सपियरियन, शेक्सपियर के बारे में सबको पता है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें बताया गया है। और एलेगी ये एक तरीका होता है कविता लिखने का या बोल सकते हैं पोएम लिखने का। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अभी हम देखेंगे वन बाई वन। कुछ जो मैंने मार्क किया है वो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, उसको ध्यान से समझिएगा, और हो सकता है कि एक दो वर्ड प्रोनंसिएशन में गड़बड़ी हो, क्योंकि वो उनका वर्ड है, उनका ओरिजिन है, तो हो सकता है एक दो वर्ड का प्रोनंसिएशन मुझसे गड़बड़ी हो, उसके लिए माफ़ी मैं पहले मांग ले रहा हूँ। पर आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको तरीका समझ में आ जाए। ये बहुत अच्छा तरीका है आपको लिखने का, आप 10 में से अप्रॉक्स 8 नंबर पा जाओगे इस तरीके से। चलिए देखते हैं। पहला है विक्टोरियन नॉवेल, तो लिखा है इन दिस ईयर 1837, मतलब 1837 की बात हो रही है। क्वीन विक्टोरिया एक्सेंडेड द थ्रोन ऑफ, एक्सेंड मतलब निकालना या फेंक देना, यहाँ मतलब है कि छोड़ देना, द थ्रोन मुकुट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड एंड सक्सीड विलियम द फोर को सक्सीड किया गया, मतलब कि उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी और दूसरे ने उसको, दूसरे विलियम फोर्थ ने उसको अप्लाई किया, मतलब वो आगे बढ़े। समझ में आ रहा, मतलब कहने का मतलब ना कि एक रानी थी, रानी ने अपना तख्ता छोड़ा, फिर दूसरी महिला आई, वो रानी बनी। द पीरियड वॉज मार्क बाई मेनी इंपॉर्टेंट सोशल एंड हिस्टोरिकल चेंजेस, मतलब वो जो पीरियड जो चल रहा था उस समय कि वो महारानी पद से हटी, फिर ये हुआ वो हुआ, फिर दूसरा कोई महारानी बना, तो ये जो पूरा पीरियड था 10 साल का 15 साल का, इस बहुत सारे सोशल और हिस्टोरिकल बहुत ही ऐतिहासिक चेंजेस हुए, एंड दैट अल्टर्ड द नेशन इन मेनी वेज, जिसने जो नेशन था, जो देश था इंग्लैंड, उसको बहुत बुरी तरीके से, मतलब बहुत अलग तरीके से चेंज किया। द पॉपुलेशन नियरली डबल्ड, पॉपुलेशन डबल हो गई। द ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंडेड एक्सपोनेंटली एंड टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो गया, तो इंडस्ट्री का वहाँ जन्म हो ही चुका था, आपको पता है 1837, यानी कि वो भारत में राज कर ही रहे थे, तो वो अपना जो एम्पायर था, जो राजस्व था ब्रिटेन का, वो बढ़ चुका था बहुत ज़्यादा। हेल्प ब्रिटेन बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और उस समय 1837 के पास आसपास ब्रिटेन सबसे पावरफुल कंट्री था, अभी अमेरिका है लेकिन उस समय ब्रिटेन था, तो ठीक है ना, तो वही इसलिए विक्टोरियन नॉवेल नाम लिखा है। इट वॉज इनफैक्ट ईजियर टू बी रीड एंड अंडरस्टूड बाई सिंपल पीपल, इसीलिए ये जो मैंने ये पॉइंट लिखा, ये पॉइंट लिखा है विक्टोरियन नॉवेल के केस में, कि नॉर्मली उस समय जो वातावरण था वो वातावरण था कि हम जीतते जा रहे हैं, तो नॉवेल नॉर्मली उस समय के ये थे विक्ट्री से, जीत पर निर्भर नॉवेल लिखे जाते थे, इसलिए इसको लिखा है विक्टोरियन नॉवेल। ठीक, ये मैंने बैकग्राउंड बताया आपको पहले दो पैराग्राफ में, फिर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है कि ये जो लिखा जा रहा है वो ऐसा क्यों लिखा गया। इट वॉज इन फैक्ट ईजियर टू बी रीड एंड अंडरस्टूड बाई सिंपल पीपल, ये जो नॉवेल लिखे जा रहे थे वो ज़्यादा आसानी से लोग समझ सकते थे। इट्स प्लॉट वॉज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर लिटरेरी फॉर्म, उस समय और भी कोई लिटरेरी फॉर्म जैसे रोमांटिक ड्रामा या सटायर या बोल सकते हैं ट्रेजेडी, मतलब वही दुख, ये सब जो फॉर्म था, ये जो कविताएं या कहानी लिखने के जो तरीके थे, उनमें उस समय सबसे ज़्यादा फेमस क्या था, विक्टोरियन नॉवेल बहुत फेमस थी, क्योंकि ये हमेशा विक्ट्री की बात कर रही थी और उस समय ब्रिटेन के आम जनता के अंदर ये था कि भाई हम जीतते जा रहे हैं, तो वो बना हुआ था, इसीलिए ऐसे नॉवेल लिखे जा रहे थे उस समय। द मेन प्रोटैगनिस्ट of the novel were the same people who read it so that they felt deeply involved in the adventure told. The writer and his readers shared the same opinion. देखिए कहने का मतलब ये है कि उस समय जो लोग थे वो प्रोटैगनिस्ट मतलब होते हैं जो चीज़ों को जैसा चल रहा है वैसा लेते रहते हैं, तो वो जब देख रहे थे कि हमारी कंट्री बढ़ रही है, हमारी कंट्री अलग अलग देश पर राज कर रही है, तो आम जनता जब इसको पढ़ती थी तो सोचती थी अरे ये तो मतलब कि सही बात है, और ऐसी कहानियां उसमें लिखी जाती थी ताकि आम जनता रिलेट कर सके जो उस समय इंग्लैंड में हो रहा था, इसीलिए लोगों को लग रहा था कि भाई वही बात, वही सेम ओपिनियन जो कहा जा रहा है वही रखा गया है। वैल्यूज़ आइडियाज़ बिकॉज दे बिलोंग्स टू सेम मिडिल क्लास, वो वही सेम मिडिल क्लास में बिलोंग करते थे जो उस समय था। द सेटिंग वॉज मेनली दैट ऑफ द सेम सिटी, नॉर्मली जो
जो सिटी के जो नाम इस पे लिखे जाते थे, जो कैरेक्टर के नाम लिखे जाते थे उस नॉवेल में, वो आम जनता के नाम होते थे, जिससे आम जनता तुरंत कैच हो जाती थी, अरे वाह ये तो हमारे ये सब कोई, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई कहानी पढ़ी, उसमें कोई किसी का नाम करण है, ठीक है, किसी का नाम प्रिया है, और आपके पास पास किसी का नाम करण प्रिया है, तो आप देख जरूर से उस स्टोरी को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि उसके जो नाम कैरेक्टर के नाम है वो आपके आसपास है। ठीक वैसे जो आम जनता के, जो आम जनता में जो नॉर्मल नाम थे वो नाम लेकर उस नॉवेल में बनाया गया था उसको, नॉवेल मतलब नॉर्मली उपन्यास। इन कंक्लूजन द नॉवेल वॉज अ काइंड ऑफ मिरर विच रिफ्लेक्टेड सोसाइटी एंड वेयर अ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीडर वॉज पॉसिबल। मतलब वो जो ये स्टोरी थी विक्टोरियन नॉवेल, ये एक तरीके से एक मिरर थी, एक शीशा था जो बताता था सोसाइटी को, भाई देखो सोसाइटी ऐसी चल रही है, इसलिए हम विक्टोरियन नॉवेल लिख रहे हैं, विक्ट्री से रिलेटेड नॉवेल लिख रहे हैं, और इससे लोगों को लगता था भाई कि हम अपने आप को फिर से महसूस कर ले रहे हैं कविताओं के द्वारा और उपन्यासों के द्वारा। ठीक, तो इसलिए विक्टोरियन नॉवल उस समय ये कुछ बैकग्राउंड वैसा है। और भी पॉइंट आप लिख सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, कुछ मैंने पॉइंट जो है वो विकिपीडिया से लिए हैं, कुछ पॉइंट मैंने दूसरे वेबसाइट से लिए हैं, और कुछ पॉइंट मैंने खुद अपने से बनाया है, तो वो मैं जितने जितने मैंने पॉइंट विकिपीडिया से लिए हैं वो सब आपको नीचे डिटेल में मिल जाएगा लिंक, जाके ज़रूर देखें अगर आपको कुछ कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो। और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। पहला है विक्टोरियन नॉवेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, हो सकता है आएगा, तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो ये है हीरोइक कॉपलेट, नाम से क्लियर है, हीरोइक नाम हीरो से रिलेटेड, कॉपलेट मतलब दो लाइन चार लाइन की जो राइमिंग वर्ड बनते हैं उसको बोलते हैं। द मोर कॉम्प्लिकेटेड द एंड राइम्स, मतलब जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड राइम उस समय होता था, द मोर ह्यूमेरियस अ पोएम साउंड, वैसा ही ज़्यादा मजाकिया वो पोएम लगता था पहले। वर्ड्स मतलब कि पहले जो जो पोएट होते थे वो हंसी मजाक के लिए थोड़ा अलग अलग किस्म के राइमिंग बैठाते थे पोएम में, ताकि लोगों को थोड़ा हंसी आए, मजा लगे। वॉट्स मोर दीज टू लाइन्स फॉर्म राइमिंग कॉपलेट, कौन सी नई चीज़ जो राइमिंग कॉम्प्लेट को बनाती थी। मैंने कुछ कुछ पॉइंट काट दिया है जानबूझकर, ये 120 वर्ड आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये तो 60-70 वर्ड है, तो मैंने इसलिए जानबूझ के रखा है क्योंकि कुछ पॉइंट आप अपने से लिखिए और चिंता मत करिए, 120 वर्ड कोई टीचर काउंट नहीं करेगा, बस आप ध्यान दीजिएगा 15 लाइन से ऊपर तक का आप ये लिखिएगा तो आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। और हाँ, पैराग्राफ चेंज कर करके लिखिएगा, जैसे जब आपको चार पांच लाइन आपने कोई पॉइंट लिख दिया है तो आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर पांच छह लाइन लिखने के बाद फिर एक पॉइंट एक लाइन छोड़ दीजिएगा, इस तरह लगेगा कि वो सुंदर लगेगा, ठीक है ना, जरूर करिएगा। विच मीन्स द एंड राइमिंग आर लोकेटेड एज क्लोज टू ईच अदर एज पॉसिबल, ठीक है ना, राइमिंग वर्ड इस तरीके से लिखे जाते थे उस समय, राइमिंग कॉपलेट पहले समझाया गया है, फिर हीरोइक कॉपलेट, फिर हीरोइक कॉपलेट के बारे में और जानकारी नीचे दी है अच्छे तरीके से, तो ये राइमिंग कॉपलेट यही होता है। फिर लिखा सो नाउ दैट वी आर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉपलेट, अगर हम अब बात करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, इस कॉपलेट के बारे में, यू माइट बी वंडरिंग दैट व्हाट मेक कॉपलेट हीरोइक, कि कॉपलेट हीरोइक कैसे बन गया। कॉपलेट नॉर्मली होता है राइमिंग, जो आखिरी में राइमिंग बनता है। जजिंग बाई द नेम यू माइट गेस वॉट्स इज अ कॉपलेट अबाउट अ हीरो, मतलब अब साफ साफ आपको नाम से ही लगेगा या ये हीरो के बारे में कॉपलेट है क्या। वेल दैट इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द हीरोइक कॉपलेट हिस्ट्री बट दैट डजेंट कैप्चर द होल डेफिनेशन, मतलब सही बात है ऐसा है, पर जो हीरोइक कॉपलेट की जो ये पूरी हिस्ट्री है ये बहुत पुरानी है, इसलिए मैंने जानबूझकर उसको काट के लिखा, बट दैट डजेंट कैप्चर द होल डेफिनेशन, पर यह पूरा होल डेफिनेशन नहीं कैप्चर कर पाएगा। अ हीरोइक कॉपलेट इज अ राइमिंग कॉपलेट दैट यूजेज अ मीटर कॉल्ड एम्बिक पैरामीटर, एम्बिक पैरामीटर जो क्या होता है ये आपको मैं लिंक दे दूंगा, जरूर जाके देखिएगा। एम्बिक पैरामीटर वो पैरामीटर होता है जिसमें हम मतलब किस तरीके से बोल रहे हैं, हमारा लहजा किस तरीके का है वो उसमें बताता है, ठीक है ना, जरूर जाके देखें आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है हीरोइक कॉपलेट ऑफन फंक्शन एज अ पाइथी या पिथी स्टेटमेंट बिकॉज दे आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, नॉर्मली हीरोइक कॉपलेट क्या होते थे वो किसी साहसी चीज़ को दो लाइन या चार लाइन में कहने की बात होती थी, जिसमें नॉर्मली दो लाइन होता है, राइमिंग वर्ड बैठते थे, मतलब आखिरी में ऐसा लगे कि कोई राइमिंग वर्ड लग रहा है, ठीक है ना, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वंडर व्हाट यू आर, आर आ रहा ना, व्हाट यू वंडर व्हाट यू आर, अरे हाउ यू वंडर व्हाट यू आर, ऐसा होता है ना, तो
ये जो नॉर्मली पोएम होते हैं, पोएम के आखिरी में जो वर्ड बैठता है तो उसे बोलते हैं राइमिंग। तो यही बात है कि ये जो हीरोइक कोपलेट होता था वो नॉर्मली पॉइंट टू होता था, मतलब कि एकदम एकदम एग्जैक्ट पॉइंट होता था, कोई घुमाता नहीं था पोएट इसको और इसको दो लाइन के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करता था। बिकॉज द टू लाइन्स ऑफ हीरोइक कोपलेट राइम दे फंक्शन एज अ मीन्स ऑफ ग्रैबिंग द लिसनर्स अटेंशन, और इसीलिए वो लगता था कि वो जो सुन रहा है इसको, उसको लगता था अरे यार ये दो लाइन में बहुत बड़ी बात कह गई, तो इसीलिए लोग बड़ा ध्यान से इसको सुनते थे। एंड इंडिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन इन दोज लाइन्स एज इम्पॉर्टेंट, और लोग ध्यान देते थे अरे यार दो लाइन में इतनी बड़ी बात कह गई, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इस वर्ड का मतलब ये, ऐसे लोग बहुत इसको ध्यान देने लगे। ईच हीरोइक कॉपलेट कंसिस्ट ऑफ टू राइमिंग राइम्ड वर्ड लाइन, साफ साफ लिखा है कि एक अगर हीरोइक कॉपलेट आपने लिखा है तो उसमें दो राइमिंग लाइन जरूर होंगी। हीरोइक कॉपलेट अगर मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा है वो आप समझ लीजिएगा कि हीरोइक कॉपलेट आर सच टाइप ऑफ पोएम या सब और सच टाइप ऑफ कॉपलेट विच आर यूज टू शो सम हीरोइक एक्ट और हीरोइक परफॉर्मेंस, कोई बहुत बहादुरी वाला काम कर दिया तो उसके लिए ये कॉपलेट या पोएम लिखा जाता था, ठीक है ना। ये है हीरोइक कॉपलेट, आप कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 20th सेंचुरी अमेरिकन प्ले, मतलब कि 20th सेंचुरी में अमेरिका के जो प्ले थे वो कैसे थे, कैसे हुआ करते थे। इन 20th सेंचुरी देयर वर मतलब WERE होगा, वर मल्टीपल प्लेज विच वर कम इन एक्शन विच वॉज वेरी डिफिकल्ट इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रीवियस वन, मतलब जो 20th सेंचुरी में नॉर्मली कई सारे प्लेज अलग अलग बने, नए नए बने, जो उसके पहले वाले एज के हिसाब से बहुत कॉन्ट्रास्ट थे, बड़े अलग थे। देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड चैलेंज टू अ लॉन्ग एस्टैब्लिश रूल सराउंडिंग थ्रेटिकल रिप्रेजेंटेशन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनी न्यू फॉर्म ऑफ थिएटर, मतलब उस समय जो थिएटर था 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा वो लॉन्ग वो था, वो वाइड स्प्रेड हो गया था, बहुत ज़्यादा फैल गया था, वो कोने कोने, मतलब पहले छोटे छोटे शहरों में नहीं होता था लेकिन 20वीं शताब्दी में छोटे शहरों में भी प्ले होने लगे, बड़े स्टेज के टाइप में होने लगे, तो अलग अलग तरीके के वहाँ थिएटर भी जन्म लिए और नए नए कॉन्सेप्ट पे प्ले होने लगे, जैसे मॉडर्निज्म पे, मॉडर्न ज़माने पे प्ले होने लगा, एक्सप्रेशनिज्म मतलब अपनी बात रखने पे हो गया कि हमें अपने ऐसे बात रखना चाहिए, इम्प्रेशनिज्म मतलब कि बात को कैसे हमें ज़्यादा बढ़ा, मतलब ज़्यादा बताना चाहिए लोगों को, एक्सप्रेस करना चाहिए, कैसे इम्प्रेस करना चाहिए, इम्प्रेस करने का मतलब ये है कैसे आप अपनी बातों को दबा कर चीज़ों को कह सकते हो छोटी बातों में। पॉलिटिकल थिएटर भी बनने लगे, पॉलिटिकल मतलब कि किसी एक पार्टी को रिलेटेड भी प्ले बनने लगे, किसी दूसरे पार्टी से रिलेटेड प्ले बनने लगे, एंड अदर फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल थिएटर, और कई सारे एक्सपेरिमेंटल थिएटर बनने लगे, साइंस के से बेस्ड थिएटर बनने लगे, मतलब कि जो प्ले होने लगा वो विज्ञान पे बेस होने लगा कि विज्ञान में ऐसे ऐसे कैसे होता है वो सब, एज वेल एज द काउंटिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑलरेडी एस्टैब्लिश थिएटर फॉर्म लाइक नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। पहले नॉर्मली नेचुरलिज्म और नेचुरलिज्म पे प्ले होते थे, प्ले मतलब नाटक, पर धीरे धीरे उसमें चेंज आया और नाटक धीरे धीरे क्या बन गया, फिल्म इंडस्ट्री बन गई और फिल्म बनने लगे। और समझ गया होगा आपको कि कैसे चेंजेस हुए होंगे 20th सेंचुरी में। इन द यूनाइटेड स्टेट विलियम वॉग मॉल्डीज पे द ग्रेटेस्ट डिवाइड, मतलब सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो प्ले उस जमाने का था वो था द ग्रेट डिवाइड 1906 का ये पोएम है, बहुत अच्छा पोएम, मतलब पोएम था फिर इसको प्ले के रूप में बनाया गया था, बहुत अच्छा तरीके से था। एंड द फेथ हीलर 1909 में ये आया था, पॉइंटेड द वे टू अ मोर रियलिस्टिक अमेरिकन ड्रामा, बड़े ही रियलिस्टिक, बड़े ही सच्चाई वाला अमेरिकन ड्रामा प्ले उसमें हुआ था। इन देयर इम्फेसिस ऑन द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दैट लाई एट द हार्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी सोशल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वही कंटेम्प्रेरी, मतलब कि जो उस समय जो सामाजिक जो भी कॉन्फ्लिक्ट थी, जो भी दिक्कतें थी, जो भी परेशानियाँ थे, उस पर बेस ये प्ले होते थे, ये नाटक होते थे। देयर आर सेवरल प्लेज विच वर फेमस इन 20th सेंचुरी, कई सारे और भी फेमस प्ले थे वो ये हैं, ट्रू वेस्ट, द लिटिल फॉक्सेस, गॉड फेवरेट। देखिए अमेरिकन जो होते हैं फेवरेट की स्पेलिंग में यू नहीं लिखते हैं, ओके बात, तो इसीलिए यहाँ यू नहीं है। स्टार स्टक्स बहुत ही फेमस फेमस पोएम है, बहुत सारे फेमस फेमस पोएम हैं और प्ले भी हैं
जो नॉर्मली उस समय प्रोड्यूस होते थे, लोग उसको प्ले करते थे, लोग उसको ड्रामा बनाकर थिएटर में दिखाते थे। और भी पॉइंट आप ले सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना। और भी अगर आपको पॉइंट मिले कहीं से आप जरूर जाके लिखिएगा। डी वाला है ओड। ओड क्या है? एन ओड इज अ टाइप ऑफ लिरिकल स्टेंजा। ये स्टेंजा है मतलब ये पोयम है। ओड एक तरीका है पोयम लिखने का। इट इज़ एन एलिबेटरी स्ट्रक्चर्ड पोयम प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग एन इवेंट और इंडिविजुअल, डिस्क्राइबिंग नेचर इंटेलेक्चुअली एज वेल एज इमोशनली। मतलब ये किसी एक पॉइंट को, किसी एक इवेंट को बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली दिखाने का तरीका होता है, जिसमें हम मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हो लिखा दिखाया जाता है। और इसमें कभी कभी जो ऐसे शैली होती है, ये शैली है पोएम लिखने की, इसमें हम नेचर को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, मतलब नेचर को हम व्यक्ति मान लेते हैं और उसको उस हिसाब से हम उस पर पोयम में लिखते हैं कि भाई नेचर ने ये किया, नेचर की ये अच्छी क्वालिटी है, ये अच्छी क्वालिटी है, इस तरीके से। द क्लासिक ओड इज स्ट्रक्चर्ड इन थ्री मेजर पार्ट। नॉर्मली जो क्लासिक ओड होता है वो तीन मेजर पार्ट में स्ट्रक्चर होता है, बनता है। द स्ट्रॉफी, द एंटी स्ट्रॉफी एंड एपोड। स्ट्रॉफी पढ़ा है आपने, वो जो कॉमा नॉर्मली लगता है आप देखते हो ऊपर वो वाला। डिफरेंट फॉर्म सच एज द होमोस्ट्रॉफिक ओड एंड द इरेगुलर ओड ऑल्सो एग्जिस्ट। ये सब बस नाम आप समझ लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक्स हो जाएगा अगर आप सोचोगे भाई हर एक चीज़ की मीनिंग आ जाए तो बहुत मुश्किल होगा। तो कुछ कुछ चीज़ों का आपको बस नाम याद रखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि कभी ओड अगर आपको लिखना होगा तो दिमाग रखिएगा कि ओड के थ्री मेजर पार्ट होते हैं, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, एपोड। ये तीन चीज़ हमेशा याद रखिएगा। फिर लिखा ग्रीक ओड वर ओरिजिनली पोएटिक पीस परफॉर्म्ड विथ म्यूजिकल एकॉम्पनीमेंट। मतलब कि जब ये कोई कवि गाता था तो साथ में म्यूजिक भी बजता था उस समय ओड के लिए, क्योंकि भाई किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए ग्लोरीफाई करता था, बड़ा चढ़क बताता था इसलिए। एज टाइम पास्ड ऑन, जैसे समय बीतता गया, दे ग्रेजुअली बिकेम नोन एज अ पर्सनल लिरिकल कंपोजिशन। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया लोग इसको पर्सनल मानने लगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये सिर्फ हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए ही होता था, फिर ये पर्सनल चीज़ों के लिए भी होने लगा। वेदर संग विथ और विदाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लोग इसको बिना संगीत के भी गाने लगे। और मेयरली रिसाइटेड ऑलवेज विथ एकॉम्पनीमेंट, या किसी के साथ रहकर वो नॉर्मली ये पोयम कह देते थे, ओड कह देते थे। मतलब कि म्यूजिक धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, जो नॉर्मली होता था कि म्यूजिक के साथ ही ओड बजेगा। देयर आर थ्री टिपिकल फॉर्म ऑफ ओड। तीन अलग तरीके के ओड हो सकते हैं, एक है पिंडेरिक, होरेटियन एंड इरेगुलर। इसके बारे में डिटेल जानने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, तो प्लीज़ इसके बारे में डिटेल जानने की जरूरत मत करिएगा, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा आपको ये सब समझने के लिए। या तो आपके पास टाइम है तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, ये मेरा सलाह है। आगे आपकी मर्जी, आप चाहो तो उसको डिटेल जान सकते हो, मैं लिंक दे दिया हूँ, जरूर जाके देखें। द लिरिकल कैन बी ऑन वेरियस थीम। लिरिकल कई थीम पे हो सकते हैं, थीम मतलब कि अलग अलग विचार पे हो सकते हैं। द अर्लीस्ट ओड इन इंग्लिश लैंग्वेज यूजिंग द वर्ड टू इट्स स्ट्रिक्ट फॉर्म वर एपिथेलियम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एपिथेलियम एंड पैथेलियम ऑन ऑफ एमंड स्पेंसर। एमंड स्पेंसर ये एक पोएट का नाम है जो ऐसे ऐसे वर्ड का यूज़ करते थे। आप समझ लो कितने कठिन वर्ड नॉर्मली वो यूज़ करते थे ओड में, ठीक है। तो ओड एक तरीके का नॉर्मली तरीका है पोएम लिखने का, स्टेंजा लिखने का, जिसमें तीन बेसिक पार्ट होते हैं, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और एपोड, ठीक। फिर चलते हैं आगे, सटायर। सटायर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आज आप सुनते रहते हो सटायर। सटायर मतलब कि जब आप कोई बात मजाक में, किसी कोई सीरियस बात मजाक में कर देते हो तो उसको सटायर कहते हैं। जैसे नॉर्मली सुनते होगे कि कोई मजाक में पर्यावरण की बात कर देता है तो वो सटायर हो जाता है, उसको सटायर कहते हैं। अरे यार क्या सटायर बोल दिया, मतलब कि सीरियस बात मजाक के रूप में, ठीक है। सटायर इज़ यूज इन मेनी वे वर्क ऑफ लिटरेचर टू शो फुलिशनेस और वाइस इन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन और इवन गवर्नमेंट। मतलब सटायर का यूज़ करते हो जब आप किसी गवर्नमेंट की किसी गलत स्कीम को आप बताते हो कि भाई गलत है, या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, या ह्यूमन में किसी ह्यूमन ने कुछ गलत काम किया है, तो आप मजाक मजाक में जो
एक सीरियस बात कहते हैं उसको हम नॉर्मल सटायर कहते हैं। इट यूजेस स्कैरिज्म, जो मैंने कहा वही रिडिकल, रिडिकल मतलब और एरोनी, बात बात में ऐसी कोई ऐसी बात कह देंगे जो आपको लगे यार दिल को टच कर गया, लेकिन वो मजाक में ही कही जाती है बात। जैसे फॉर एग्जांपल, सटायर इज ऑफन यूज टू अचीव पॉलिटिकल और सोशल चेंज और टू प्रिवेंट इट। नॉर्मली ये जो सटायर होता है वो पॉलिटिकल होता है या समाज के लिए होता है। जैसे कि हमें बेटियों को मजाक मजाक में कहते हैं हमें बेटियों को अब तो पैक करके रख देना चाहिए, ना पैक रहेंगे ना कुछ होगा, ना ही कोई उनको परेशान करेगा, कोई रेप करेगा। इसका मतलब ये क्या है, ये गलत मतलब एक तरीके से ये मजाक मजाक में सीरियस बात कह दी गई है कि हमें हमारे सोसाइटी में अब महिलाओं को उतनी सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, वो सेफ नहीं उतनी, तो ये मजाक मजाक की बात कही गई है ना, तो यही इसको सत्य सटायर कहते हैं। इन फिक्शन एंड लेस फ्रिक्वेंसली इन नॉन फिक्शन, नॉर्मली ये फिक्शन भी हो सकता है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन क्या होता है, काल्पनिक, और नॉन फिक्शन मतलब कि अकाल्पनिक। सटायर इज अ जन मतलब वही एक तरीके से तरीका ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर मतलब कि एक तरीके से लिखावट, एंड परफॉर्मिंग आर्ट इन विच वाइस फुलिश अब्यूजेज एंड शॉर्ट कमिंग आर हेल्ड अप टू रिडिकल आइडियली विद दिस इंटेंट ऑफ शेमिंग इंडिविजुअल। ये नॉर्मली किसी एक पर्टिकुलर को शेम करने के लिए लोग मजाक मजाक में कहते हैं, किसी की बुराई करना, अरे तुम तो बड़े हीरो लग रहे हो, ये देखो ये क्या है, ये किसी की तुम तो बड़े हीरो लग रहे, अब बेचारे को सामने क्या लगेगा कि शायद मैं खराब लग रहा हूँ क्या, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो वो सटायर उस कैटेगरी में भी आ सकता है, ठीक है ना। ये किसी गवर्नमेंट के लिए भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो सकता है, कॉरपोरेशन, किसी कंपनी के लिए आप बोल सकते हो, सोसाइटी के लिए बोल सकते हो, समाज के लिए बोल सकते हो, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी बोल सकते हो, ये नहीं कि बुरा होता है, अच्छा भी आप बोल सकते हो। ऑल दो सटायर इज यूजली मीन टू बी अ ह्यूमरस, यद्यपि जो सटायर होता है वो नॉर्मली ह्यूमरस मजाक में ही कहा जाता है, इट्स ग्रेटर पर्पज इज ऑफन कंस्ट्रक्टिव सोशल क्रिटिज्म। ये मजाक तो कर रहा होता है जैसे मैंने कहा, पर इसका जो मेन ग्रेटेस्ट पर्पज होता है वो ये होता है कि ये कंस्ट्रक्टिव सोशल क्रिटिज्म करता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब छोटे रूप में उसको वो क्रिटिसाइज करता है किसी बात को, या किसी बात को समझाना चाहता है। यूजिंग विट, विट मतलब चालाकी, टू ड्रॉ अटेंशन टू बोथ पर्टिकुलर एंड वाइडर इश्यू इन सोसाइटी, दोनों बात पर, चाहे वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात हो या किसी बड़े इशू बात हो जिसको मजाक में रूप में आप कह रहे होते हो, उसको सटायर कहते हैं। द वर्ड सटायर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैटर एंड द सबसिक्वेंस फ्रेज लैंग्स सतुरा, मतलब ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है सटायर, ठीक है, जो जिसका सटुर का मतलब होता है फुल, फुल मतलब पूरा, बट इन जक्सटेपोजिशन विथ लैंग शिफ्टेड द मीनिंग टू मिस कैनली और मैडली। द एक्सप्रेशन लैंग सेटर लिटरली मीन्स अ फुल डिश ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फ्रूट, मतलब सॉरी ये जो सटायर वर्ड है, ये वर्ड आया है सेटूर, सेटूर से पहले भी एक छोटा सा वर्ड आता है लैंग सेटूर, तो लैंग सेटूर मतलब होता है कि एक जो पूरा खाने का पूरा थैल, पूरा जो बर्तन है उसमें अलग अलग डिश होते हैं, वो उस समय लैटिन वर्ड का मतलब था, लेकिन धीरे धीरे इसका वर्ड का यूज़ होने लगा इंग्लिश में सटायर के रूप में। तो आप समझ गए होंगे सटायर का यूज़ क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। ये हर जगह होता है, हिंदी में, इंग्लिश में, हर जगह। हम बात इंग्लिश कर रहे हैं इसलिए इंग्लिश स्किल में ये मैक्सिमम यूज होता है, और इसका नॉर्मली जो स्टार्टिंग था वो लैटिन से ही स्टार्ट हुआ था, यानी कि ब्रिटेन से आप कह सकते हो, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, जॉन फिशर एज अ द पाम राइटर, ठीक है, एज अ पाम राइटर, तो नॉर्मली इसको बोल सकते हैं कि एक जॉन फिशर एक राइटर है जिनको हम, एक फिशर एक राइटर थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आप इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिटेल के नीचे, जरूर जाके देखिएगा। जॉन फिशर, इनका जन्म हुआ था, सी मतलब होता है कि वही जीसस क्राइस्ट से बाद, 19 अक्टूबर 1469 का जन्म हुआ था, और ये 1535 को इनकी डेथ हो गई। वॉज एन इंग्लिश कैथोलिक बिशप, बिशप मतलब वही कि वो वहाँ पर फादर थे बोलते, जो चर्च में होते हैं फादर लोग होते हैं ना, जो हमारे यहाँ पुजारी होते हैं या मौलाना होते हैं, वैसे क्रिश्चियन में क्या होते हैं, फादर होते हैं, तो वो कैटेगरी में थे, कार्डिनल एंड थियोलॉजियन, ठीक है, वो हमेशा
थ्योरी पे बात करते थे या वो विचारक बात करते थे। फिशर वॉज ऑल्सो एन एकेडमिक एंड इवेंचुअली सर्व्ड एज अ चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये चांसलर थे, यानी कि वहाँ के वो हेड थे कुछ समय के लिए। ठीक। फिशर वॉज एग्जीक्यूटेड बाई ऑर्डर ऑफ हेनरी एट ड्यूरिंग द एट इंग्लिश रिफॉर्मेशन फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द किंग एज अ सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। मतलब उस समय कुछ जब ये बड़े हो रहे थे तब उस समय इंग्लैंड में काफ़ी चेंजेस हो रही थी। लोग इस बात को लेकर थे कि भाई उस समय जो राजा था वही चर्च का हेड होता था, तो उस बात को लोग रिफ्यूज़ कर रहे थे कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड फॉर अपहोल्डिंग द कैथोलिक चर्च डॉक्ट्रिन ऑफ पैपल सुप्रीमेसी। वो तो वहाँ पर उस समय बात चल रही थी कि जो कैथोलिक चर्च है कि जो डॉक्ट्रिन है, जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पे जो चर्च चर्च के जो प्रेस्ट है पुजारी है वो हेड होने चाहिए, न कि इंग्लैंड का राजा। ठीक। उस समय ऐसा चल रहा था। सेंट जॉन फिशर, ये सेंट थे, सेंट वो कई लोग बोलते हैं क्योंकि ये फादर थे नॉर्मली। सेंट जॉन सॉ फादर मतलब कौन से चर्च वाले फादर की बात कर रहा हूँ। सेंट जॉन फिशर मेटायर्ड, इनको मेटायर्ड मतलब कि इनको एक तरीके से मेटायर्ड बाई हेनरी एट वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट होली एंड लर्न बिशप इन ऑल द क्रिश्चियनम ड्यूरिंग हिज लाइफ। मतलब जब तक वो जी रहे थे तब तक सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे पवित्र इनको फादर माना जाता था उस समय। इसीलिए इनको शहीद मेटायर्ड मतलब शहीद का इनको उपाधि मिली थी जब वो मरे थे। ठीक। फिशर वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ फेलो मेटायर्ड सॉन्ट थॉमस मोर हु फॉलोड फिशर्स लीड इन स्टैंडिंग अगेंस्ट हेनरी। ठीक है। एंड इवन द ह्यूमनिस्ट एमेरिस्मस हैड द हाइएस्ट रिगार्ड फॉर फिशर। मतलब कि साफ 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 है कि उस समय जो हेनरी जो थी, जो उस समय वहाँ के किंग थे, उनके खिलाफ इन्होंने कई सारे पॉइंट रखे थे और उस पर इनके दोस्त सेंट थॉमस मोर खड़े हुए थे। ठीक। उनकी बात होती है। द न्यू ट्रांसलेशन ऑफ फिशर्स कॉमेंट्रीज ऑन द सेवन पोटेंशियल सैम मेक अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन मॉडर्न इंग्लिश। दिस ग्रेट सेंट पावरफुल इंस्पायरिंग इनसाइड ऑल ऑन दिस ब्यूटिफुल एंड मूविंग सैम। सिंपल है कि देखिए इसको सैम पढ़ते, मैंने गलती कर दी, इसको पाम पढ़ती, इसको सैम पढ़ते हैं। पी और एल साइलेंट होता है, मैं ध्यान नहीं दिया, पी साइलेंट होता है। एक बात मैं बता देना, पूरी पॉइंट आप इसको रीड करेंगे, इसको आप पॉज करिए वीडियो को, पढ़िए जो मैंने कहा। इसका साफ साफ मतलब सिंपल यही है कि अगर इसको आप समझें कुछ करें हिंदी में अगर आप समझो, तो वो एक कैथोलिक बिशप थे। ठीक है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी, चांसलर थे वहाँ, सॉरी वहाँ से पढ़ाया था, चांसलर थे वहाँ पे। और इन्होंने हेनरी एट वन जो आपको दिख रहा है V11, उसका मतलब एट है, रोमन नंबर है, तो वो उस समय उनके खिलाफ थे, जो उस समय चर्च की हेड थी उसके खिलाफ थे। उन्होंने कई सारे पॉइंट रखे, उस समय कई आंदोलन हुए थे, आप जरूर जाके नेट पे देखिए, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। ठीक। तो वो आपको पॉइंट वहाँ पे मिलेगा, वहाँ से ये अपनी स्टोरी लिखते थे। और नॉर्मली की जो स्टोरी होती थी वो सैम राइटर होते, सैम राइटर मतलब कि बड़े ही शांतिपूर्वक राइटर वो लिखते थे। और ऐसे राइटर जो ऐसे पोएम या ऐसे उन्होंने कई सारे स्टोरीज लिखी हैं, जो आप सुनोगे तो मतलब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये कितने अच्छे राइटर थे। इनकी कमेंट्री मतलब होता है कि वर्ड टू वर्ड बोला जाता है, जैसे कि कोई रामायण कथा नहीं होता, वैसे ही इनका भी, इनकी जब स्टोरीज होती उनकी भी ऐसे ही कमेंट्री होती थी, लोग उस पोएम को या उनके प्ले को बोलते थे, पढ़ते थे। ठीक। ये जॉन फिशर के बारे में थोड़ी जानकारी है, मैंने सैम राइटर के बारे में जानकारी वो थोड़ी कम दी है क्योंकि इतना ही काफ़ी है समझने के लिए इसके लिए। ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपने पहली बार पढ़ाया तो इसको आपको बड़ा ढीठ देगा, आपको कन्फ्यूज़ करने वाला लगेगा। फिर जी एस सैमुअल डैनियल, सैमुअल डैनियल इनका जन्म 1562 में हुआ था और इनके मृत्यु 1619 में हो गई थी। वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड हिस्टोरियन। ये इंग्लिश पोएट थे और हिस्टोरियन मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को वो
पढ़ते थे। ही स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। बिफोर बिकमिंग ट्यूटर टू द फैमिली ऑफ लॉर्ड हार्बर्ट, ट्यूटर मतलब पढ़ाने वाले, जब पढ़ाने वाले टीचर बने थे। एंड लेटर अदर मेंबर ऑफ द आर्टिस्ट्री, ही ट्रांसलेटेड वर्क फ्रॉम लेटिन टू इंग्लिश, उन्होंने कई सारे जो लेटिन में कई सारे कहानियाँ या कई सारे कुछ लिखी होगी उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में जब वो ट्यूटर बने उसके बाद। एंड देन बिगेन टू पब्लिश हिज ओन प्रोज एंड वर्स, वर्स मतलब उनके जो अलग अलग भाग थे वो, और प्रोज मतलब वही कहानियाँ, उन्होंने अलग कहानियाँ अलग अलग नाटक उन्होंने अपने खुद के लिखी हुई वो पब्लिश कराने स्टार्ट कर दी। इन 1603 ही वॉज गिवन अ रॉयल अपॉइंटमेंट एंड प्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ मैस्क्यूज, मतलब कई सारे उन्होंने ये लिटरेरी पॉइंट निकाले, कई सारे उन्होंने पब्लिकेशन कर दी 1606 के बाद। इन द अर्ली 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के शुरू में, ही एसोसिएटेड विद अदर वेल नोन राइटर ऑफ द टाइम बिफोर रिटायरिंग टू द विलेज ऑफ बैगिंगटन इन सोमरसेट। सोमरसेट एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक बैगिंगटन छोटा जगह का नाम है, वहाँ पे ये इन्होंने रिटायरमेंट ली थी अपनी, मतलब कि इस लिखने की और हिस्टोरियन चीज़ों से उन्होंने रिटायरमेंट ली थी। और उससे पहले उन्होंने 17वीं शताब्दी में कई और राइटर से एसोसिएशन मतलब तालमेल करके उन्होंने कई सारी स्टोरीज लिखी थी। आप देखते हो कि एक बुक में दो या तीन राइटर कभी कभी आपको पढ़ने को मिल जाते हैं, ठीक वैसे ही डैनियल पोएटिक वर्क वॉज न्यूमरस, मतलब कई सारे हैं, बट वर लॉन्ग नेगलेक्टेड, पर वो काफ़ी समय तक नेगलेक्ट किए गए, मतलब कई लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बट आफ्टर सम पोएट प्रेजेस मेड हिम, कई सारे पोएट ने इनके पोएट्री को प्रेज किया, प्रशंसा की, हिम फेमस आफ्टर हिज डेथ, तो मृत्यु के बाद ये और फेमस होते गए। ऑफ हिज वर्क द सोनेट आर नाउ परहैप्स मोस्ट रीड, और अब उनके जो नॉर्मली सोनेट थे, जो कविताएं थी, वो परहैप्स सबसे ज़्यादा रीड की जाती हैं इंग्लैंड में और ब्रिटेन अमेरिका में। आप जाके सर्च करो, अगर बहुत ज़्यादा सैमुअल डैनियल की बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी, प्ले मिलेंगे और स्टोरीज मिलेंगी। कुछ बुक्स मैंने आप नीचे लिख रहा हूँ, सम बुक्स विच वी शुड रीड आर डेलिया, हाइमन ट्रैफिक, फेवर एंड इंक्रीज, बहुत ही और कई सारे हैं, लेकिन ये कुछ मेन है जो बहुत फेमस है। फेवर एंड इंक्रीज बहुत अच्छी स्टोरी है, जाके जरूर देखें अगर आपके पास फ्री टाइम है, प्लीज़ जाके जरूर देखें, मैं आपको प्रेफर करता हूँ, जरूर जाके देखें फेवर एंड इंक्रीज, बहुत अच्छी स्टोरी है। नेक्स्ट चलते हैं, एच विलियम कैक्सटोन, ये भी राइटर ही थे, विलियम कैक्सटोन, इनका जन्म हुआ था 1422 और इनकी मृत्यु हुई थी 1491। ध्यान दीजिएगा, जो आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें से एक जरूर ऐसा क्वेश्चन होगा जो किसी राइटर के लिए होगा या पोएट के लिए होगा, कि मतलब उसके बारे में बताइए, किसी राइटर या पोएट के बारे में बताइए। तो ये जो मैं नाम बता दे रहा हूँ चार पाँच जो मैंने पढ़ाया आपको, वो उसमें से ज़रूर एक नाम आएगा, तो किसी एक राइटर का जरूर आप याद कर लें जो मैंने चार पाँच लिखवाया है, या आप चार पाँच राइटरों का ही नाम याद कर लो, पूरी स्टोरी याद कर लो जो मैंने बताया है, आपको काफ़ी सारी आसानी होगी, आप फटाफट इसको लिख लोगे। लिखा है विलियम कैक्सटोन वॉज एन इंग्लिश मर्चेंट, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी थे, डिप्लोमेट मतलब वो डिप्लोमेसी वाले काम करते थे, राजनीतिक वाले काम करते थे, एंड राइटर और लेखक भी थे। ही इज थॉट टू बी अ फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस अ प्रिंटिंग प्रेस इन टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले पहले व्यक्ति लोग मानते हैं, मतलब एकदम प्रूफ तो नहीं है लेकिन लोग मानते हैं कि यही थे। इन 1476 में इन्होंने लाया था। एंड एज अ प्रिंटर वॉज अ फर्स्ट इंग्लिश रिटेलर ऑफ प्रिंटेड बुक, और जो प्रिंटर नाम की जो जिस प्रिंटर से पहली बुक छपी थी वो इन्हीं की इन्होंने ही लाई थी, विलियम कैक्सटोन, इसलिए इनको कहा जाता है कि इन्होंने ही प्रिंटिंग मशीन लाई थी इंग्लैंड में, मैं बात कर रहा हूँ। नाइदर हिज परसेंटेज नॉट डेट ऑफ बर्थ इज नोन फॉर सर्टेन, निश्चित नहीं है कि मतलब कि कब इनकी पैदाइशी, कब ये पैदा हुए थे, बट ही मे हैव बीन मोर बॉर्न बिटवीन 1415 टू 1424, पर लोग 1415 1424 के बीच में मानते हैं कि इनकी इनका जन्म हुआ था। जैसे हम कबीर दास के जन्म को या सूरदास के जन्म को एग्जैक्टली कंफर्म नहीं बता पाते हैं, ठीक वैसे ही विलियम कैक्सटोन का जन्म भी कंफर्म नहीं है। परहैप्स इन द वूड लैंड ऑफ कैंट, कई लोग मानते हैं कि ये कैंट में, कैंट एक जगह का नाम है, वहाँ ये पैदा होंगे। परहैप्स हेडलॉ और टेंट्रेन, कई लोग मानते हैं कि हेडलॉ पैदा हुए, कई लोग मानते हैं टेंट्रेन पैदा हुए, थोड़ा कन्फ्यूज़न है।
अलग लोग अलग मानते हैं. इन 1438 ही वॉज अप्रेंटिसड टू रॉबर्ट लार्ज, अ वेल्दी लंदन सिल्क मर्सर. तो वो वहाँ पे काम, मतलब वहाँ पे वो ज्वाइंट हो गया था एक तरीके से. कैक्सटन, प्रिसाइज डेट ऑफ डेथ इज अनसर्टेन. यहाँ तक कि उनकी जो मृत्यु थी वो भी अनसर्टेन बात बताई जाती है. बट एस्टिमेटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ हिज बीरियल इन सेंट मैग्रियंट वेस्टमिंस्टर सजेस्ट दैट ही डाइड इन नियर मार्च 1492. मतलब मार्च से आसपास, क्योंकि जो नॉर्मल जो क्रिश्चियन लोग होते हैं जो मरते हैं तो वो जो उनको एक तो ताबूत में गड़ा जाता है, फिर उनकी बॉडी जो जो ताबूत जहाँ गड़ा होता है वहाँ पे उनका नाम लिखा होता है. आप कई फिल्म में देखे होंगे कि जो क्रिश्चियन लोग मरते हैं तो वहाँ जहाँ ताबूत के पास उनका नाम, कब मरे हैं, कैसे मरे हैं, वो थोड़ा डिटेल लिखा होता है. तो लोग जो हैं जो उनके जब उनके कब्र पर जाते हैं एक तरीके से, तो वो लिस्ट जब पढ़ते हैं कि वो कब मरे थे तो वो उसमें मिलता है कि शायद ये 1492 के आसपास में मरे थे. इन नवंबर 1954 अ मेमोरियल ऑफ कैक्सटन 1954, मतलब उनके मरने के 400-500 साल बाद अ मेमोरियल ऑफ कैक्सटन वाज अनवील इन वेस्टमिंस्टर एबे बाय जे जे ऑस्टर की जो वेस्टमिंस्टर थे उन्होंने एक मेमोरियल इनके नाम से खोला था. मेमोरियल मतलब सिंपल एक म्यूजियम टाइप का. चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल, उस समय प्रेस काउंसिल के चेयरमैन थे कौन, जे जे एस्टन, जिन्होंने ये उद्घाटन किया था. द वाइट स्टोन प्लेक्यू इज ऑन द वॉल नेक्स्ट टू द डोर ऑफ पोएट्स कॉर्नर. जो पोएट्स कॉर्नर है अलग से, उसमें इनका एक बहुत बड़ा वाइट सफ़ेद पत्थर का बना हुआ प्लेक्यू है, मूर्ति बोल सकते हो या आप एक छोटा सा मूर्ति उसमें बना हुआ है. इन इंस्क्रिप्शन रीड, इंस्क्रिप्शन जो कुछ दिए होते हैं जो रीड कर सकते हो वो ये है. नियर दिस प्लेस विलियम कैक्सटन सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड. कई लोग मानते हैं कि ये इधर ही कहीं मतलब कि वेबमिस्टर एबे के आसपास ही कहीं पर, या बोल सकते हो कि आप कि पोएट्स कॉर्नर के आसपास ही कहीं पर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में पहली बार लगाई थी. मतलब कोई कंफर्म नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट को लेकर, कुछ पॉइंट लेकर अब कंफर्म है, लोग कई लोग पॉइंट लेकर कंफर्म नहीं है, तो ये थोड़ा डाउट है इसमें. तो विलियम कैक्सटन के बारे में आप चाहो तो याद मत करो, चाहे याद कर लो, आप पे डिपेंड करता है. कुछ कुछ पॉइंट हो सकता है आपको समझ में ना आया हो तो कुछ छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना. नेक्स्ट चलते हैं हम, कीट्स एज रोमांटिक पोएट. मतलब जॉन कीट के बारे में बात हो रही है. जॉन कीट वॉज एन इंग्लिश पोएट, ये इंग्लिश पोएट थे. एवरी पोएम ऑफ जॉन कीट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ हिज ओन, उसमें हर एक पोएम में वो हमेशा अपने ही प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं. हिज पोएट्री इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब किसी दूसरे पॉइंट को लेकर फिर अपना पॉइंट लेकर उसमें कंपेयर करके बात की गई है. ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दो पॉइंट होता है. सब्जेक्टिव मतलब जो जब अपने बारे में आप सोच लेते हो तो उसको सब्जेक्टिव कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव मतलब आप दूसरे के बारे में सोच कर फिर अपने बारे में सोचते हो तो उस केस में हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. तो इट इज़ नाइदर फॉर द सेक ऑफ द क्रिटिसम नॉट टू अप्राइज द पीपल ऑफ एनी सोसाइटी. नॉर्मली वो जो पोएम लिखते थे उसमें किसी की बुराई नॉर्मली वो नहीं लिखते थे, ना ही किसी की बुराई लिखते थे सोसाइटी में. ही गिव्स नाइदर एनी मैसेज नॉट डज एडवाइस टू हिज रीडर. कभी भी वो अपने रीडर को, जो इसको पढ़ता था उसको मैसेज नहीं कहते थे कि भाई ये तुम करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा कुछ वो नहीं लिखते थे. बस अपने मन के भाव को लिखते थे. हिज पोएट्री लैक्स मोरालिटी, जो उनकी पोएट्री होती उसमें थोड़ी कम मोरालिटी होती थी, मानवता थोड़ी कम होती थी. हिज वर्ड आर नॉट सार्केस्टिक, जो उसके वर्ड होते थोड़े सार्केस्टिक नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं अच्छे या फेमस नहीं होते थे. ही डज पोएट्री फॉर द सेक ऑफ पोएट्री ओनली, वो सिर्फ पोएट्री की कविता लिख रहा हूँ तो लिखते दो, उस केस में वो पोएट्री लिखते थे. जॉन कीट्स हैंस इज कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट पोएट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि वो किसी को ऐसा नहीं होता था कि भाई मुझे कविता लिखनी है इस पॉइंट पे लिखनी है, मुझे उस पॉइंट पे लिखनी है, या इसे खुश करने के लिए लिखना, उसे खुश करने के लिए लिखना, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं. उन्हें बस पोएट्री जब उनके मन में आता था वो लिखते थे, इसीलिए उन्हें सबसे प्योरेस्ट पोएट भी कहा जाता है. अगर वन ऑफ देखा जाए तो टॉप थ्री में तो वो रहते ही रहते हैं. लेकिन व्हाट डज प्योर पोएट्री मीन, अगर आप समझो प्योर पोएट्री क्या होता है उसका मतलब क्या. इजंट इट द ड्यूटी ऑफ अ पोएट टू डील विद द सोशल प्रॉब्लम एंड टू टेल पीपल दैट दे आर कमिटिंग ब्लंडर.
मतलब कि क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो पोएट हैं जो कवि हैं वो कुछ पॉइंट अपनी बात रखें कि भाई सोसाइटी में ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, उस पर अपनी पॉइंट रखें, अपने बात रखें, तर्क रखें। तो यही बात कहा जा रहा है, अ सिंगल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ टू बी प्राइमरी पर्पज ऑफ पोएट्री इज़ नॉट टू रेज वॉइस अगेंस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। नॉर्मली आप किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट कोई अगर पॉइंट रखते हो, इनकी पोएट्री में ऐसा मिलता है जॉन कीट के, तो आप फंस जाओगे। There may be a poet who not to raise voice against problem. Sorry, there may be a poet who consider them duty bound to talk about wrong doing of society. ऐसे आपने कई poet सुने होंगे जो अगर society में कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत वो अपना poem बना देते हैं, तुरंत अपनी कविता बना देते हैं, ठीक है ना। Yet it is not that poetry is done for. और लेकिन इसलिए पोइट्री नहीं बनी है कि आप किसी का तुरंत बनाओ पोइट्री, आराम से मन से बनाओ, दिल से बनाओ। ये नहीं कि बस जो किया वो जो करंट टाइम में चल रहा है, फेमस चल रहा है, उसे बना दो कुछ भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। द पोइट्री विच गिव प्लेजर टू द सेंस टू कंसीडर बेस्ट एंड देयर फोर कैन बी कॉल्ड प्योरेस्ट पोइट्री। जो जॉन केट का कहना था, उनका ये कहना था कि वो पोयम जो आपको खुशी दे, प्लेजर दे और आपके दिल में बस जाए, वो पोएम प्योर पोएट्री होती है। चाहे वो खुशी दे या आपके दिल में बैठ जाए, थोड़ा दुख हो आपको, लेकिन वो मतलब कि आपके दिल में बैठ जाए, वो बात बैठ जाए, वो लाइन बैठ जाए, वो प्योर पोएट्री है। प्योर पोएट्री इज़ विटल एलिमेंट ऑफ रोमांटिक पोएट्री। जो प्योर पोएट्री होता है वो एक तरीके से रोमांटिक पोएट्री अगर कोई लिखता है तो वो हमेशा प्योर नॉर्मली माना जाता है, क्योंकि वो दिल से लिखा जाता है। जॉन किट्स पर्पज टू डू पोएट्री ओनली फॉर पोएट्री इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच मेक हिम अ रोमांटिक पोएट। और क्योंकि आप जब दिल से लिखते हो तो आप नॉर्मली रोमांटिक पोएट लिखोगे या सैड पोएम लिखोगे, ये दो पोएम लिखते हो आप। तो रोमांटिक पोएम नॉर्मली इसीलिए फेमस थे क्योंकि वो रोमांटिक पोएट लिखते थे, क्योंकि वो दिल से लिखते थे, यही कारण है। आप कुछ और पॉइंट लिख सकते हो जो आपको सही लगता हो, आप इसको लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, आपको ये नाम बताने की जरूरत है नहीं, सबको पता है। शेक्सपियरियन मतलब जो शेक्सपियर की जो पॉइंट किताबें हैं, शेक्सपियर की जो भी बातें हैं उसके, उसको हम शेक्सपियरियन कहते हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज़ अ प्ले पेंड बाय शेक्सपियर हिमसेल्फ। शेक्सपियर ने खुद ही ये प्ले लिखा था, यानी ड्रामा लिखा था, नाटक। और अ प्ले रिटन इन द स्टाइल ऑफ शेक्सपियर बाई अ डिफरेंट ऑथर, कन्फर्म नहीं है, शायद या तो शेक्सपियर ने खुद लिखा है या शेक्सपियर जैसे कोई और दूसरे ऑथर ने, दूसरे राइटर ने ऐसा प्ले लिखा है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैज़ गॉट इट्स ओन स्पेसिफिक फीचर, इसमें खुद की कुछ क्वालिटी है, कुछ नए नए पॉइंट उसमें ऐड हुए हैं जो इससे पहले कभी भी लिटरेचर में यूज़ नहीं होते थे, विच डिस्टिंग्विश, जो इनको अलग बनाती है इस प्ले को इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ ट्रेजेडीज। जो भी उस समय ट्रेजेडी, जो भी परेशानी होती थी, उससे इस स्टोरी को अलग बनाती है। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट शेक्सपियर इज मोस्ट इंडेटेड टू एरिस्टोले थ्योरी टू ट्रेजेडी इन हिज वर्क। जो एरिस्टोले थ्योरी क्या है ये अपने सर्च करिएगा। नॉर्मली एरिस्टोले एक व्यक्ति थे, उनकी कुछ विचार थे, उसको शेक्सपियर मानते थे, इसीलिए अधिकतर ट्रेजेडी वाले जितने भी स्टोरी उन्होंने लिखी उसमें उनकी एरिस्टोले की थ्योरी जरूर वो डालते थे। द एलिमेंट ऑफ अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज डिस्कस्ड बिलो। कुछ पॉइंट हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने की कोशिश किया हूँ, देखिए। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज द डिजाइनेशन गिवन टू मोस्ट ट्रेजेडीज रिटन इन द प्ले राइट विलियम शेक्सपियर। मतलब प्ले के लिए, नाटक के लिए नॉर्मली फाउंडर माना जाता है विलियम को, प्ले का, नाटक का। तो विलियम शेक्सपियर जो थे उन्होंने ही अलग अलग तरीके से ट्रेजेडीज लिखने की कोशिश की है, और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी उसमें से एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। मैनी ऑफ इज हिस्ट्री प्ले शेयर द क्वालिफायर्स ऑफ अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। मतलब कई सारे जिन्होंने हिस्ट्री के से रिलेटेड प्ले लिखे थे वो हमेशा पहले शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बेस पे चेक होता था कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के हिसाब से ये क्या किस लेवल पर आता है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को अगर हम 20 पॉइंट दे रहे हैं तो इनकी जो नेक्स्ट क्या कहते हैं जो भी नाटक है उसको हम 10 पॉइंट दे रहे हैं, उस केस में वो रेट करते थे। इतना ज़्यादा वो फेमस था।
बट बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन रियल फिगर थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड दे वर क्लासिफाइड एज द हिस्टोरीज इन द फर्स्ट फोलियो. फर्स्ट फोलियो मतलब पहली नज़र में आपको लगेगा कि ये तो हिस्ट्री नॉर्मली कोई बता रहा है, लेकिन उसमें कुछ ड्रामा डालकर कुछ स्टोरी डालकर शेक्सपियर अपनी बात रखते थे और कहते भी थे कि ये हिस्ट्री तो है लेकिन इसमें थोड़ी मैंने फिक्शन डाली है, थोड़ी ऐसी चीज़ डाली है जिससे कहानी ये बन सके. दे शेयर सम एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी फीचरिंग अ हाई स्टेटस सेंट्रल करेक्टर बट एंड हैप्पीली लाइक शेक्सपियरियन कॉमेडीज. शेक्सपियर जितनी भी कॉमेडी आप पढ़ोगे उसमें आप देखते हो कि आखिरी में अंत अच्छा होता है, ठीक वैसे ही जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो बुक है उसमें जो नॉर्मली तो उसमें कई सारी कन्फ्यूजन है पर आखिरी में सब खुशहाल जिंदगी बिताते हैं नॉर्मल जैसे हमारे फिल्मों में होता है. सेवरल हंड्रेड ईयर्स आफ्टर शेक्सपियर्स डेथ स्कॉलर एफ एस बोस ऑल्सो क्वाइंट अ फिफ्थ कैटेगरी द प्रॉब्लम प्ले. मतलब कि पहले चार तरीके के प्ले होता था उसमें से एक नया प्ले आया, नाटक आया प्रॉब्लम प्ले. फॉर प्लेज दैट डू नॉट फिट नीटली इन टू अ सिंगल क्लासिफिकेशन बिकॉज ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर सेटिंग एंड और एंडिंग. अगर ऐसा कोई प्ले ऐसा कोई नाटक हो जिसका कोई जो सब्जेक्ट है जो मतलब जो टॉपिक है वो एकदम अलग है, उसके तरीका अलग है, उसका एंड एकदम अलग है जो नॉर्मली प्ले में नहीं होता है, तो उसको प्रॉब्लम प्ले कैटेगरी में रखा था किसने, एफ एस बोस ने. तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी उसमें से है जो प्रॉब्लम प्ले कैटेगरी में आता है. प्ले चार होते थे इसके बाद पाँच हो गए जब एफ एस बोस ने अपनी बात रखी तब. ठीक से शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, आपको समझ में आया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट जो आपका है वो लास्ट है एल्गी. एल्गी आप याद रखिएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा. मैं 100% तो नहीं हूँ पर मैं 70-80% हूँ कि ये जरूर आएगा. एल्गी इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट कैन बी डिफाइंड एज अ पोएम और सॉन्ग इन फॉर्म ऑफ एजाइक कॉपलेट. एजाइक कॉपलेट हमने पढ़ा दो लाइन वाली राइमिंग वर्ड को पोएम को हम वो कॉपलेट बोलते हैं. तो ये एल्गी एक लिटरेचर का एक फॉर्म है, एक तरीका है पोएम या सॉन्ग लिखने का. रिटन इन ऑनर ऑफ समवन डिक्रीज्ड, किसी के ऑनर को डिक्रीज करने के लिए कम करने के लिए ये एल्गी नॉर्मली लिखा जाता है. एंड या बोल सकते हो कि किसी की याद में आप लिखते हो, किसी के बारे में आप लिखते हो. इट टिपिकली लेमेंट और मॉन द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल. आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी एल्गी ऑफ एन अर्चियार्ड. तो ये किसी की बुराई तो नहीं कह सकता पर किसी के मरने का दुख प्रकट नॉर्मली एल्गी करता है. जो भी एल्गी पोएम हो, एल्गी से रिलेटेड जो पोएम होते हैं उसमें दुख दर्द ये सब स्टोरी होती है किसी को मरने के बाद. खासकर एल्गी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एल्गस विच मीन्स अ सॉन्ग ऑफ ब्रेवेंट संग अलॉन्ग विद अ फ्लूट. मतलब बांसुरी के साथ जो एक बेरवेंट मतलब होता है जो दुख वाला जो आप संगीत कहते हो, उस समय जो बजता था उसका नाम एल्गस था ग्रीक वर्ड में, फिर इसको यूज़ किया गया इंग्लिश में एल्गी नाम से. द फॉर्म ऑफ एल्गी वी सी टूडे वी इंट्रोड्यूस टू द 16th century. ये जो वर्ड है ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये आया लोग इसका यूज़ करने लगे 16th शताब्दी में. एल्गी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये बहुत फेमस एल्गी है, आपको पता है आपने पढ़ा भी होगा, बाय थॉमस ग्रे ने इसको लिखा है. एंड वेन लिलास लास्ट इन द डूर यार्ड ब्लूम्ड बाय वॉल्ट व्हाइटमैन भी एक स्टोरी लिखी है, एक पोएम लिखा है. वेन लिलियास लास्ट इन द डूर यार्ड ब्लूमेड बोलते हैं इसको, आर द टू द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एल्गी. ये दोनों जो पोएम है इसमें बहुत दुख की बात की गई है, कोई मर गया है उसके बारे में लिखी गई है कि भाई वो कैसे मर गए, कब मर गए, कैसे क्या हुआ, वो जो थोड़ा सा जो दुख है दर्द है वो इन दोनों पोएम में मिलता है. इसमें से एक पोएम तो आपको पता ही है एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, आपने पढ़ा भी होगा. तो आप समझ सकते हो कि एल्गी जो तरीका है वो कैसा है. फीचर ऑफ एल्गी मतलब कुछ पॉइंट है एल्गी के वो हम देखते हैं. इट ऑफन इन्वॉल्व्स अ पोएट हु नोज हाउ टू फ्रेज थॉट्स इमेजिनेटिवली इन द फर्स्ट पर्सन. मतलब ये जो एल्गी होता है ये ऐसे इस तरीके से पोएट इसको लिखते हैं ताकि पहले ही फ्रेज से, पहले ही लाइन से जो भी इसको पढ़ रहा है वो तुरंत इसको इमेजिन कर ले, अरे ऐसा हुआ है. जैसे एग्जाम्पल के लिए जब आपने पढ़ा होगा
एल्गी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, तो आप कल्पना ही आपने कल्पना की होगी, अपने अपने गांव कल्पना की होगी, अपने गांव के आसपास जो भी कहीं चर्चयार्ड है, कहीं पे कब्र है, कब्रिस्तान है, आप तुरंत गैस कर लिया होगा, अच्छा वहाँ कब्रिस्तान ऐसा है, तो आपने गैस कर लिया होगा, आपने पोएट का चेहरा गैस कर लिया होगा, एक कहानी आपके अंदर बन गई होगी, है ना। तो वही वही लिखा है कि पहली लाइन से ऐसी कहानी बनाने की कोशिश की जाती है। द पोएट एसोसिएटेड द इवेंट ऑफ द डिसीज्ड विथ इवेंट इन हिज ओन लाइफ बाई ड्राॅइंग अ सबटल कंपेरिजन। सबटल मतलब थोड़ी सी इसमें कंपेरिजन की जाती है कि जब ये मर गए थे, कोई किसी मरने की बात हो रही है ना, कोई मर गया है उसकी तुलना और अब की तुलना ये करते हैं और बताते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है। ये भी एक तरीका है एलगी का, वो एक पॉइंट उसमें जरूर आता है। द काइंड ऑफ डिग्रेशन गिव द पोएट स्पेस टू गो बियॉन्ड द मेन एंड द क्रूड सब्जेक्ट टू अ डीपर लेवल वेयर द कैनोटेशन माइंड बी मेटाफोरिकल। मेटाफोरिकल मतलब एक तरीके से उदाहरण के रूप में उसको यूज किया जाता है, या बोल सकते हैं थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा के बोल सकते हैं यूज़ किया जाता है, और उसमें हम उदाहरण के रूप में एक उपमा अलंकार बोल सकते हैं उसके रूप में हम देखते हैं, तुलना करते हैं, तुलना करके हम अपनी पॉइंट निकालने की बात करते हैं कि उस समय क्या था, ऐसा क्या था, वैसा क्या था, और गहरी बातें मतलब बहुत सोच समझ सोची समझी पॉइंट को रखा जाता है। नॉर्मल पोएम नहीं होता है ऐसे पोएम, वो रखा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है, आप जरूर नोट करिएगा। और ऐसे वर्ड मैं जामुझकर में मैंने जाम उसके बड़ा बड़ा नहीं लिखा है, मैंने 80 से 70 वर्ड के अंदर मैं रहा हूँ। होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आया होगा, आप इसको बढ़ा चढ़ा के अपने हिसाब से लिखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट समझाना बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पॉइंट समझ में आया होगा, और लिंक मैंने कुछ पॉइंट के लिंक मैंने डिटेल में दिए हैं, जाके जरूर देखें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। मुझे पता है कई लोग को नहीं समझ में आया होगा, पर कोशिश करें, अगर आपको नंबर पाना है इसमें तो आप ये ज़रूर ट्राई करें और आपको नंबर मिल जाएगा अगर आप थोड़ा फोकस से इसको पढ़ोगे तो। और मैथ द कॉलम भी इसी पॉइंट इन्हीं में से लिटरेचर से ही पॉइंट बनाकर आता है, जरूर जाके मैथ द कॉलम भी देखें पिछले 4-5 साल के, तो आपको समझ में आ जाएगा मैथ द कॉलम कैसा आता है, बहुत टफ नहीं होता है, वो जरूर जाके देखें, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। और एट लास्ट आपने ये वीडियो देखा, आपने मुझे सहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।